ये गाड़ी सबसे भारी है यार। अरे तो भाई इसको ना कभी कभी प्यार आ जाता है ना, ऐसे चिपक जाता है मेरे को। ये देखो आवाज निकालेगा, छोटे बच्चे जैसे हरकतें करता है। देखो इसको खाना खिलाता हूँ अभी मैं, रुको। हाँ ओके। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, ये बैग तो बस इधर ही पड़ा हुआ है कब से। आज का प्लान था मेरा मुंबई जाने का, बट कैंसिल कर दिया बिकॉज मेरी तबीयत उतनी भी ठीक नहीं है। सुबह लग रहा था थोड़ा थोड़ा ठीक, बट मैं जब सो के उठा तब पता नहीं, और मैं दिन भर घर पे ही था, मैंने कुछ किया नहीं है। अभी मैं, आज भाई दूज है ना, तो थोड़ा सा गिफ्ट लेना था, तो वही लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसलिए ये इसमें गेटअप में, गेटअप ही बोलेंगे और क्या। हाँ इसमें ये कपड़ा पहन के मैं रेडी हो रहा हूँ, हो गया हूँ। अभी देखते हैं मैं बाहर जाके क्या लेके आता हूँ, क्या है मेरे को भी अभी सोचने में टाइम नहीं मिल रहा है। दिन भर वही देख रहा था कहाँ अच्छा मिलेगा, क्या अच्छा है, दिखाऊंगा। लेकिन मैं उसका मैं टेंशन, उसको टेंशन मत लो भाई। नाक नाक सूजी है क्या मेरी दिन भर भाई। चलो कोई नहीं, चलो फिर मैं अभी निकलता हूँ। थोड़ा इस पे स्कूटी पे जाएंगे क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा फोर व्हीलर लेके जाने लायक नहीं है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। वहाँ पे टू व्हीलर भी मुश्किल से बैठती है, तो टू फोर व्हीलर का क्या बैठेगी। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, कोई साथ में है क्या देखता हूँ, एक बार कॉल करके पूछता हूँ। देखो ऐसी सब चीज़ें हमारे घर पे आती रहती हैं, पता है। घर से निकलने वाली वीडियो है ना, मैंने एक एक 1.5 घंटे पहले रिकॉर्ड करी थी, और मैं उसके बाद अब निकल रहा हूँ। पापा ने, मम्मी पापा ने बोला कि स्कूटी पे मत जा, पहले ही तबीयत ख़राब है, तो बड़ी गाड़ी लेके जा। मेरे को ये सवाल हो रहा है कि अब मैं बड़ी गाड़ी वहाँ लगाऊंगा कैसे। हाँ। चलो जाने दो अभी, क्या कुछ तक। अरे यार ये हॉट हो जा साइड में यार। एक तो लगानी है ना, तो पहले तो इंडिकेटर दिया है ऑटो में, हर ऑटो में इंडिकेटर रहता है, तो भाई थोड़ा लेफ्ट में लगा के ना लगा लो, पीछे वालों को प्रॉब्लम होती है। एक तो ये रोड है एकदम छोटी सी, यहाँ पे दो गाड़ियाँ भी मुश्किल से पास होती है, तो थोड़ा सा यार ध्यान रखा करो प्लीज़। दूसरों का तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, तुम्हारे ऐसे दिमाग की वजह से ना दूसरों को प्रॉब्लम हो जाता है। जाने दो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बोलते हैं, अभी मैं जाता हूँ फटाफट वो गिफ्ट लेता हूँ, ये क्या बोलते हैं भाई दूज का जो रहता है पूरा, पहले वो जाने दो। तो ये देख लो, आओ थोड़े से फोटोज वोटोज खिंचवा के मैं फटाफट सो जाता हूँ, ताकि सुबह जल्दी भी उठना है। सुबह उठ के वापस मुंबई का ट्रैवलिंग एंड ऑल, उधर जाके एक तो भाई वहाँ की गर्मी, अरे भाई वो तो जाने दो। अरे यार रुको, एक काम करना था मेरे को, एक बार फ़ोन करना था, रुक जाओ एक सेकंड, मैं करता हूँ कंटिन्यू। मैं देखो सब कितने खुश हैं, ऐसे सब रेडी होके निकले भाई दूज के दिन पे, और मैं सब घर के कपड़ों में बीमार सा निकल रहा हूँ, बताओ। जाने दो, अब क्या बीमारी क्या बोल के थोड़ी आती है, चलता है कभी तो। और हाँ, जो हमने गिफ्ट भेजा था उसका मैंने आज वो अपडेट देखा, कॉल भी आया था उसका, जो डिलीवरी करता है ना उसका कॉल आया था, तो उसने मेरे को बोला था शायद घर पे कोई नहीं है, और मैंने चेक भी किया तो मतलब नहीं था सच में कोई, और उस पर अपडेट भी चेक किया तो पहुंच गया है, बट बस क्या बोलते हैं जिसको भेजा है वो घर पे नहीं था, तो कोई कलेक्ट नहीं कर पाया, तो कल मैंने एक और क्या बोलते हैं डिलीवरी रीअरेंज करवाई है। तो अभी आई होप मतलब कल तक तो मिल जाना चाहिए,
जैसे ही मिलते ही मेरी जैसी बात हो जाती है, मतलब नहीं, मेरे को कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ मिल गई, तब मैं जाके आपको बताऊंगा हमने क्या क्या भेजा था। मतलब उनसे ही फ़ोटोज़ मंगा के हम आपको भेज बताएंगे क्या था क्या नहीं था। देखो ये हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम चालू, मेरे को लग रहा है यहीं पे कहीं तो गाड़ी लगा लूँ। ये देखो भाई कैसे सब लोग पागल जैसे घुसेंगे अभी। देखो अरे ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ की इसने, पसंद आ गया मेरे को। चलो भाई गाड़ी के लिए तो जगह मिल गई, जाके ना पहले देखता हूँ पार्सल, मतलब जो गिफ्ट मैंने मंगाया था वो आया है कि नहीं। आई होप अभी तक तो आ गया होगा, मैं फ़ोन तो किया था सुल्तान भैया को, अभी उनसे ही जाके एक बार मिल के आते हैं। बहन को और किसको? बहन को यार। हाँ आयनिंग मशीन और वो क्या ब्लो ड्रायर का क्या बोलते उसको। चलो आई कर दो, वाहिद भाई है, आ जाओ बैठो। भारी है यार। अरे तो भाई ये गाड़ी मैंने नाला घुमा, लोनावला लेके गए थे ना, वो किसका है? मेरे दोस्त का था। अच्छा दोस्त का है, क्या गाड़ी था, ऐसा आगे बैठा था कंफर्टेबल एकदम मस्त रिलैक्स। अरे इसका इसका मजा अलग है। मजा मतलब नया लिए क्या अभी? ना ना एक साल हो गया गाड़ी को, नया लगा एकदम नया यार, जैसे रखा है पापा ने। सही है, तारीफ हो रही है। इस पे टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। ओके प्राइस ये भाई अपने लिए 6000 है ना। 41 पाकिस्तान के खिलाफ भी यूजफुल कंट्रीब्यूटर है, आप इनको लड़ाई कर सकते हैं। मतलब ये है दो से जोर पर खेल रहे हैं। कुछ आया प्रॉब्लम तो मैं बोलता हूँ। ओके भैया थैंक यू। एकदम मस्त काम करके दिया यार तुमने। चलो भाई सुल्तान भैया और वाहिद भैया की वजह से सस्ते में तो मिल गया सामान, वरना मैं पहले ऑनलाइन मंगाने वाला था, नहीं तो मैं मुंबई से लेने वाला था। मुझे बहुत सस्ता मिला यार, मतलब जो मैंने MRP देखा था ना, MRP से तो बहुत सस्ता मिला, बहुत ज़्यादा सस्ता। तो थैंक्स टू देम। अभी मैं निकल गया हूँ घर, घर जाके थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद रेडी होता हूँ क्योंकि भाई फ़ोटोज़ लेने, क्योंकि मैं घर से भाई निकला ही नहीं सुबह से, कहीं पे भी नहीं गया मैं। अब भी निकला हूँ, जो निकला हूँ घर में ही पड़ा हूँ आज पूरा दिन। यहाँ की भीड़ देखी जाए तो थोड़ी कम थी आज, तो मेरा काम और इजी हो गया। फाइनली बैक होम, सामान लेके सब लोग रुके ऊपर मेरे लिए। गिफ्ट मस्त तरीके से चलेंगे। मैं तो हो गया फ्रेश, अभी मैंने फटाफट चेंज कर, तो सब लोग रुके हैं, चेंज करने के बाद कंटिन्यू कर। सो ट्रांजिशन ट्राई करना, मतलब एक ट्रांजिशन ट्राई करता हूँ, हुआ तो हुआ वरना नहीं डालूँगा उसको वीडियो में। चलो
रुको बाल सेट करने दो यार, फोटोज में बाल इम्पोर्टेंट है। चलो मैं तो हो गया, मैंने इसको क्या चाहता, थोड़ा प्रेस करना चाहिए था, बट कोई नहीं चलता है, इतना घर में ही तो फोटोज खींचना, कहाँ थोड़े बाहर जाना है। अपने पास क्या है, परफ्यूम है नया, कहा गया वो, रुको यार ढूंढने दो अभी, तो सारा सामान मेरे इधर भर के रखा है इन्होंने। नहीं यार पीछे तो नहीं लगा, हाथ में बैग में होगा शायद, रुको आइए। इसको भी आज ही ख़त्म होना था, थोड़ा सा ही था वो लग गया अभी, चलो जाने दे इसको, रख देता कहाँ इसके पीछे चक्कर में पड़ूंगा। अब हो गया था मैटर, अभी अच्छा हो गया बच गई ये बोतल, कुछ ना हुआ इस पर भाई, ये बंदी ठीक है, इसको ना रुको यहाँ पे रख देता हूँ टेम्परेरी, मैं जाता हूँ हॉल में। बांग्लादेश से आने मैसेज भाग के टेस्ट नहीं किया है, मैं बनाता हूँ, ऐसे ही ऐसे ही बनाता हूँ मैं तो। अगेन बैक टू दिस आउटफिट, अभी मैंने जस्ट मेरा बैग भरा और मैं थोड़ी देर अभी पढ़ने के लिए बैठता हूँ, ताकि कुछ पेपर में कल लिख के तो आ जाऊँ, मजाक कर रहा हूँ, बस एक बार थोड़ा पढ़ लूँगा फिर उसके बाद। बैग तो भर गई है, कुछ काम नहीं है, कुछ बचा कुचा रहे, हाँ हाँ दवाई लेनी है बस, दवाई लेके फिर सो जाऊँगा मैं। फिर सुबह मैंने बुकिंग कराई है, 6:30-7 बजे निकलूँगा मैं, 6:30 या 6:20 को घर छोड़ दूँगा, 7 बजे की बस है तो हाँ 9 बजे पहुँचा देगी, 9:30 तक। फिर छोटी बैग है जब कल अपने पास, तो मैं डायरेक्टली कॉलेज ही चला जाऊँगा, क्या फिर वापस कौन आना जाना करेगा। चलो अभी मैं बैठता हूँ भैया, अब आ रही है मस्त नींद, मैं ना फ्लो फ्लो में बहुत पढ़ गया, पढ़ने बोलने को नहीं आ रहा, मैं ना फ्लो फ्लो में बहुत पढ़ लिया, 11:30-11:11 बजे कुछ तो बैठा था, अभी हो रहा है 12:50, 2 घंटे कब कैसे निकल गया पता नहीं चला, बट अभी मेरे को सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह है ना जल्दी उठने का है, और सुबह उठ के वही तो। चलो जाने दो, आज के दिन के ब्लॉग को अपन यही एंड करते हैं, वैसे आज मैंने कुछ किया नहीं है, बस घर के ही काम, घर में ही पड़ा था सो रहा था, बीच में बस गिफ्ट लेने उठा उतना किया बस, उसके बाद वापस घर पे आके थोड़ा भाई दूज वगैरह उसमें फ़ोटो वोटो खिंचवाए, और उसके बाद यहाँ पर पढ़ के अभी सो जाऊँगा। तो एनीवेज आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बताओ मैं आपको कल, बाय बाय, गुड नाइट।